नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जून दिन शनिवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों को बताया लुटेरा। विपक्षी एकता के बाद इस वजह से उमर अब्दुल्ला ने खुद को और महबूबा को बताया बदनसीब। यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया विपक्षी दलों में मोदी फोबिया। लालू यादव ने मोदी और बीजेपी को दी चेतावनी। नाराज चल रहे केजरीवाल के खबरों के बीच तेजस्वी यादव ने कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों को बताया लुटेरा। अक्सर अपने विवादित बयान को लेकर बीजेपी पार्टी के कई नेता चर्चा में बने रहते हैं। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही। दरअसल उन्होंने कहा है कि यदि बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो एक भी मुगलों को इतिहास नहीं दिखेगा। सीतामढ़ी में भी यूपी में बन रहे भगवान श्रीराम मंदिर के तर्ज पर माता सीता के भव्य मंदिर बनवाए जाएंगे। वहीं पटना में हुए विपक्षी दलों के बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग पीएम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं करेंगे। 3 महीने नीतीश कुमार, 3 महीने ममता दीदी, 6 महीने केजरीवाल और 6 महीने के लिए राहुल गांधी पीएम बनाना चाहते हैं। ये लोग सारे लुटेरे हैं जो देश को बेचना चाहते हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव लड़के दिखाएं, 5 सीट भी नहीं मिलेगी। एक बार फिर से सम्राट ने नीतीश कुमार को पलटू बताते हुए कहा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को कहा ये ज्यादा होशियार है। विपक्षी एकता की बैठक भी अब खत्म हो गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती दिख रही है। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान ने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इन महाशय को लगता है कि ज्यादा होशियार है। भाजपा ने एक काला अध्यादेश लाया बिना अगर मगर लेकिन किए कांग्रेस को विरोध करना था, लेकिन पिछले 1.5 महीने में कांग्रेस सोच रही है कि इस पे समर्थन करना है कि नहीं। ये तो धर्म युद्ध है, या तो आप उस पार हो या इस पार। आगे उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये स्पाइनलेस लोकतंत्र बचाएंगे। लालू यादव ने मोदी और बीजेपी को दी चेतावनी। अपने स्वास्थ्य को लेकर बेड रेस्ट में महीनों से रहे लालू यादव अब पहले से तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, साथ ही हंसी ठिठोली करते भी नजर आए। अब इसी बीच उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अब वे पूरी तरह से फिट हो गए हैं और अब नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी को भी फिट कर देंगे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि इस बार तो तय है कि ये लोग गए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी का बहुत बुरा हाल होने वाला है। विपक्षी एकता के बाद इस वजह से उमर अब्दुल्ला ने खुद को और महबूबा को बताया बदनसीब। विपक्षी एकता खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां सभी विपक्षी दलों के नेता ने अपनी बातें रखी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अमर अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि इतने लोगों को इकट्ठा करना छोटी बात नहीं है। हमारा मकसद ताकत हासिल करना नहीं है, यह वसूलों, विचारधाराओं, सोच इरादों की लड़ाई है। मैं और महबूबा मुफ्ती इसी मुल्क के ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां लोकतंत्र का दीन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। आगे उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिका में दिए गए भाषण को लेकर कहा कि वजीर आजम को व्हाइट हाउस में लोकतंत्र की बात करते हुए अच्छा लगा, लेकिन यह लोकतंत्र जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुँचता। भाजपा नेत्री ने उद्धव ठाकरे के पिता के बयान लालू के मुंह में चारा वाले वीडियो को किया शेयर। नीतीश कुमार ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा बंदी के लिए पटना में विपक्षी दलों की बैठक को आयोजित किया था, जिसमें देश भर से कई भाजपा विरोधी दल शामिल हुए। इस दौरान उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल हुए। इसे लेकर भाजपा की एक नेत्री ने उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि लालू के मुंह में चारा भरा है। इसे लेकर भाजपा नेत्री ने लालू प्रसाद यादव को लेकर उद्धव ठाकरे से कहा है कि आपके पिता वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का ये वीडियो सुनिए। बाला साहेब ने लालू प्रसाद यादव को क्या कहा, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि आपने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को कैसे मिट्टी में मिला दिया। आगे उन्होंने कहा कि बाला साहेब की भाषा में कहे तो लालू के मुंह में चारा भरा है। लालू को उन्होंने नालायक भी कहा है। अब आपको ऐसे नालायकों के सामने गिड़गिड़ाने का समय आया है, सच में आप क्या से क्या हो गए देखते देखते। सत्यपाल मलिक ने विपक्षी पार्टियों को दी नसीहत, जांच एजेंसियों से नहीं है घबराने की जरूरत। अपने मुखर बयानों को लेकर चर्चा में रहे सत्यपाल मलिक ने ट्वीट के जरिए एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं तो सभी नेताओं से कह रहा हूं कि आपको ईडी और सीबीआई से घबराने की जरूरत नहीं है, सच को डटकर मुकाबला कीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। बीजेपी सरकार आगामी चुनाव में नहीं बचेगी, फिर मोदी जी और उनके सहयोगियों की जांच करवा लेना। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन एजेंसियों का आप सभी बहादुरी से सामना कीजिए, 6 माह बाद इनकी हार तय है। उसके बाद अधिकारियों को भी लग जाएगा कि अब चला चली का बेला आ गया है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सत्ता में बैठे बीजेपी वालों की ही जांच हो जाएगी।
अब इस राज्य में होगी विपक्षी एकता की अगली बैठक। विपक्षी एकता की महाबैठक अब समाप्त हो चुकी है। सभी ने आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया। अब इस बैठक में अगली बैठक को लेकर सहमति भी बन चुकी है। बता दें इस बात की जानकारी सामने आई है कि अब यह मीटिंग 12 जुलाई को शिमला में होने वाली है। इस बैठक में ही अंतिम फैसले तक विपक्षी दल पहुंचेंगे। बता दें कि बीते ही दिनों पटना में हुई विपक्षी दलों के बैठक में कुल 15 विपक्षी दल शामिल हुए, जिसमें दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, पंजाब से भगवंत मान और तमिलनाडु से एम के स्टालिन समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, यूपी से अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। साथ ही देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया विपक्षी दलों में मोदी फोबिया। विपक्षी एकता की बैठक के बाद बीजेपी लगातार बयानबाजी करते नजर आ रही है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट के जरिए कहा है कि महाबैठक में महामंथन का नतीजा खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा है, क्योंकि परिवारवादी तंत्र चोर चोर मौसेरे भाई है। वहीं बीजेपी की वाहवाही करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश में जो बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसमें देश की 543 लोकसभा में भारी जनसमर्थन देखकर घबराकर मोदी बीजेपी विरोधी जो नेता है उनकी पटना में बैठक हुई है। पटना के विपक्षी दलों की बैठक खोदा पहाड़ निकली चुहिया है और इस बैठक में कुछ नहीं निकला व किसी ने पीएम दावेदारी नहीं छोड़ी। इस विपक्ष की मोदी फोबिया हो गया है। कांग्रेस से अशोक गहलोत ने बराक ओबामा के बयान पर बीजेपी को कही ये बात। देश में चल रहे वर्तमान हालात को देखते हुए कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा दिए गए बयानों को लेकर कहा कि ओबामा के बयान से ये साबित हो गया कि देश गलत दिशा में जा रहा है। मालूम हो कि बराक ओबामा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने बयानों में कहा था कि यदि उनकी बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती तो वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत का जिक्र करते। वहीं देश में नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान हालात में विपक्षी दलों की एकजुटता आवश्यक है। बीजेपी द्वारा याद दिलाए जा रहे इंदिरा सरकार में लगे इमरजेंसी पर लल्लन सिंह ने कही ये बात। विपक्षी दल में कांग्रेस बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। कांग्रेस के इस पहल को देखकर बीजेपी अन्य विरोधी दलों और देश का इमरजेंसी की याद दिला रही है। अब इसे लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का बयान सामने आया है। इन्होंने कहा है कि भाजपा इमरजेंसी की याद दिलवा रही है। आज इमरजेंसी से ज्यादा बदतर हालात हो गया है। आज कोई अगर एक शब्द बोलता है तो उसके यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान कभी भी इंदिरा गांधी ने ईडी, सीबीआई और आईटी का प्रयोग नहीं किया था। हाँ, लोग जेल भी गए थे, लेकिन आज तो लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। इन लोगों ने सारी संस्थाओं को नियंत्रित कर पॉकेट में रख लिया है। आज तो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। पूरे देश का लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को बताया भ्रष्टाचारियों के बारात का सहबाला। विपक्षी एकता के बारात में दुल्हा कौन है? भाजपा के नेता ऐसी बयानबाजी अक्सर करते नजर आते हैं। अब इसी कड़ी में बक्सर के किला मैदान में 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारियों के बारात का सहबाला बता दिया है। उन्होंने कहा है कि ननिहाल को आगे बढ़ाने के लिए ददिहाल को पीछे ढकेल रहे हैं। विदेश में भारत जोड़ो और विदेश में भारत तोड़ो का नारा बुलंद करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का युवराज बिना दुल्हे के सहबाला है जो भ्रष्टाचारियों के बारात में बिहार पहुंच गए हैं। इनका डीएनए कहां का है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन ननिहाल को आगे बढ़ाने के लिए अपने ददिहाल को ही पीछे ढकेल रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उनको न तो दुल्हा मिलेगा और न ही मंडप में दुल्हन मिलेगी, केवल मंडप ही सजेगा। गुरुद्वारा पहुंची महबूबा मुफ्ती को सिरोपा से किया गया सम्मानित। विपक्षी दलों की बैठक अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन महबूबा मुफ्ती अभी भी बिहार में रुकी हुई हैं। यहां वे पटना में मौजूद कई स्थानों पर घूमने निकली हैं। इसी कड़ी में आज वे पटना साहिब तख्त श्री हरमंदिर पहुंची। यहां आने के बाद उन्होंने मत्था टेका, साथ ही यहां के खूबसूरती की चर्चा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं। उन्होंने बिहार आने को लेकर खुशी जताई। बता दें कि उन्हें गुरुद्वारे में सिरोपा देकर सम्मानित भी किया गया। सुशील मोदी ने विपक्षी दलों पर वंशवादी और भ्रष्टाचारी होने का लगाया आरोप। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के द्वारा चलाए गए विपक्षी एकता के मुहिम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता की बैठक की एक ही उपलब्धि है कि अगली बैठक का स्थान तय कर पाए। पटना की 40 डिग्री वाली गर्मी में कुछ निर्णय नहीं हो पाया। शायद हिमाचल की ठंडी वादियों में राहुल गांधी लालू यादव के प्रस्ताव पर निर्णय लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बैठक में न तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार न ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा हुई, उल्टा अरविंद केजरीवाल गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। 7 मुख्य विपक्षी दल बैठक से नदारद है। आगे उन्होंने कहा कि 15 शामिल दलों में 10 परिवारवादी दल है और 12 दल ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे वंशवादी और भ्रष्टाचारी से लिप्त पार्टियां ईमानदार नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती।
नाराज चल रहे केजरीवाल के खबरों के बीच तेजस्वी यादव ने कही ये बात। विपक्षी एकता के बाद सियासी गलियारों में अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा देखी जा रही थी। कई लोगों द्वारा इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि केजरीवाल बैठक के बाद नाराज चल रहे। अब इसे लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्ष की बैठक में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेता मौजूद रहे। हमने फांसीवाद ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने का फैसला किया है। हम लोगों की मांग के अनुसार एकजुट हुए हैं। यह लोगों का चुनाव है, कोई नाराज नहीं है और बैठक सार्थक रही। विपक्षी दलों ने पीएम उम्मीदवार के नाम को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कही ये बात। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पटना में विपक्ष की बैठक को आसान रूप सफल रहा। सभी विपक्षी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, बीजेपी को हराना। वहीं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर उन्होंने कहा कि हमने यह तय नहीं किया है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं और यहां डीएमके और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है। मालूम हो कि बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमके स्टालिन शामिल नहीं हुए थे, जिसे लेकर कई तरह की अटकलें देखी गई। इन अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताया। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, शंकर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, धर्मवीर भक्त, नुनू गोलू कुमार। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के लिए सबसे बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।